नितेश राय हत्याकांड मामले का पर्दाफाश, 3 महीने बाद आरोपी योगेश राय गिरफ्तार, त्रिकोणीय प्रेम का मामला। फुलवारी में तिस्ता कैनल की गहरी खाई से एक युवा का शव बरामद करने की घटना के करीब 3 महीने बाद एनजीपी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम योगेश राय है, वो प्रधाननगर थाना अंतर्गत इलाके का निवासी है। घटना में त्रिकोणीय प्रेम की कहानी सामने आ रही, पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। बताया गया है कि पिछले साल 17 दिसंबर को फुलवारी तिस्ता कैनल की गहरी खाई से नितेश राय नामक एक युवक का शव बरामद किया गया था। युवक बेलाकोबा के फकीरढीप इलाके का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार नितेश का अपनी ही एक बहन से प्रेम संबंध हो गया, फिर दोनों ने शादी कर ली। नितेश की पत्नी अंजलि की पहले भी शादी हो चुकी है, उसका पहले से एक बेटा और एक बेटी है। इस बीच शादी के बाद वे फुलवारी संलग्न चतुरागच इलाके में रहते थे। नितेश पूरे दिन बेलाकोवा में दुकानदारी कर रात में फुलवारी स्थित घर आता था। इस बीच नितेश की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि नितेश की हत्या की गई है। जांच के दौरान पुलिस को कुछ सनसनीखेज जानकारी हाथ लगी। इस घटना में प्रेम त्रिकोण की कहानी सामने आई। मृतक की पत्नी से पूछताछ के बाद आरोपी योगेश राय का नाम सामने आया। वही हत्या करने के बाद आरोपी छुप गया था। करीब 3 महीने बाद योगेश राय को एनजीपी थाना की पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार योगेश राय का नितेश की पत्नी से संबंध था, इसी वजह से नितेश की हत्या की गई होगी। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है।